नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आज हमारे साथ है नीरज गुर्जर जी। नीरज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर जय भीम। अभी आप इलेक्शन लड़ रहे थे वर्धा से, है ना? तो वहाँ पे कितने वोटों से आपकी हार रही? बसपा से लड़े थे आप, तो क्या रहा, कितने वोटों से गैप रहा और ये जो डिस्टेंस था किस तरीके से आया? क्या ईवीएम थी या ईवीएम को मानेंगे, ये आपको लगता है कि आपकी कहीं व्यक्तिगत तौर से हार हुई है? नहीं सर, ये जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, तो विधानसभा के चुनाव में ईवीएम ये बहुत बड़ा फैक्टर है जी, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से ही यहाँ चुनाव जीते जा रहे हैं जी। और जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज की जो मूवमेंट है, बहुजन समाज के उम्मीदवार न जीत पाए, इसीलिए ही बहुत बड़े पैमाने पे ये षड्यंत्र रचा गया है जी। कितने वोट आए थे आपको? मुझे 22,270 वोट आए थे। क्या कारण है कि बसपा का जनाधार बहुत बड़ा होता है, बसपा का बहुजन मूवमेंट बहुत बड़ा होता है, विचारधाराएं बहुत बड़ी हैं और जो क्रांतिकारी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी वोट बैंक इतना कम क्यों? नहीं सर, वोट बैंक बहुत है, मगर चुनाव के दौरान जो धन बल का जो प्रयोग होता है, वो प्रयोग के माध्यम से हमारा जो समाज है वो समाज गरीब समाज है जी। उस समाज को चुनाव के दौरान पैसे का लालच देकर, उनको कुछ चीज़ें बांटकर वोट का डिवाइडेशन करते हैं और समाज में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं वो उस चीज़ को उनके पीछे चले जाते हैं जी। तो क्या बोलना चाहेंगे आप बहुजन समाज के लोगों को जो छोटे से पैसों के लिए अपना ज़मीर तक बेच देते हैं? मैं बहुजन समाज के लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो मतदान का अधिकार दिया है, ये बहुत मौलिक अधिकार है। उसके लिए बाबा साहब ने अपनी पूरा जीवन संघर्ष किया और संविधान में ये अपने को मतदान का अधिकार, ये महत्वपूर्ण अधिकार इस देश का राजा बनने का दिया है। और इस राजा बनने के अधिकार को जनता ने अपने हक और हकूक़ के लिए मतदान करना चाहिए, अपने समाज, अपने पीढ़ी का उद्धार करने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी ये सुरक्षित हो। और आज हमारा जो बहुजन समाज है ये राजकर्ता बने, राजा बने, और राजा बनने के लिए ये अधिकार दिया है, तो इसका इस्तेमाल समाज ने बड़े हिफाजत के साथ करना चाहिए। ऐसी मैं बहुजन समाज से विनंती करता हूँ और अपने बहुजन समाज के उम्मीदवार को ही उन्होंने मतदान करके जिताना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुजन समाज के लोगों को एक ऐसा हथियार दिया था जिसके हथियार से उनको अपना समानता का, बराबरी का अधिकार मिलेगा, और वो था वोट बैंक, जिसको बहुजन समाज के लोग चंद पैसों के लिए और चंद दारू के लिए तक बेच देते हैं। और जैसे हमारे नीरज गुर्जर जी ने बताया कि अपने अगर सामान चाहिए तो आपको इन सब चीज़ों को बचाना होगा, अपने बच्चों का भविष्य को सेफ सिक्योर रखने के लिए आपको अपने जो जिम्मेवार प्रतिनिधि है उसको आपने वोट डालना होगा। आपने हमारे चैनल से बात करी, धन्यवाद सर। जय भीम सर, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।